हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 15 दिन का स्टडी प्लान, जिसमें मैं आपको 45 वीडियो देने वाला हूं अलग अलग सब्जेक्ट पे। ठीक है, डेली एक वीडियो मिलेगी मैथ की, एक रीजनिंग की और एक साइंस की। अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली और ये पूरा स्टडी प्लान देख लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। बट आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखनी है, और स्पेशली सिर्फ ग्रुप डी वालों के लिए है। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, मेन चीज ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे हजारों बच्चों का मेरे पास यही मैसेज आते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप चैनल के साथ में जुड़े हैं रेड कलर का बटन दबा करके। अगर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले रेड कलर का बटन दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए। अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, प्रिपरेशन कर रहा है ग्रुप डी की, तो उसको भी बताइएगा। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन होने के बाद में ऐसी हो जाती है, मेन चीज ये है, क्योंकि इसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ में टाइम डिस्कस कर लेता हूँ। टाइम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता तो उस टाइम पे आप आकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको 100% मिलेगी डेली लगातार 15 दिनों तक। ठीक है, मैथ की वीडियो का टाइम एग्जैक्ट 3 बजे मैंने रखा है। 3 बजे आपको एक वीडियो मिल ही जाएगी, जिसमें एक्सपेक्टेड कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं रखूंगा, और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितना आप सपोर्ट करेंगे लाइक और शेयर करके। ठीक है, फिर रीजनिंग की अगर बात की जाए तो 9:30 से 10:30 बजे आपको एक रीजनिंग की वीडियो 100% मिलेगी। ठीक है, तो इसके बीच में आप एक बार जरूर देख लिया करें नोटिफिकेशन अगर ना गया हो तो। फिर 11 बजे से आपका लाइव क्विज स्टार्ट हो जाएगा साइंस के, जिसमें क्वेश्चन रखूंगा मैं। अभी शुरू में 45 से 50 क्वेश्चन रखूंगा। अगर आप डिमांड करेंगे, वीडियो को मैक्सिमम वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इसकी जो मैं है क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस और ज्यादा लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कितना आप सपोर्ट करते हैं। लाइक और शेयर मतलब सपोर्ट के लिए बहुत है, ये कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, बस आप लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, यही चीज है। ये केवल ग्रुप डी वालों के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। देखिए, पहले मैं मैथ का, फिर रीजनिंग का, फिर आपको सब कुछ पीडीएफ के बारे में हर चीज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया आपका, और मैंने पूरे हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैथ में आपके कुछ ये चैप्टर हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ में मैं बोल सकता हूं कि मैथ को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल सेम 2 चैप्टर हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो कम से कम समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ रखा है तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे टाइम वर्क और पाइप एंड सिस्टम का। बिल्कुल सेम कंडीशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एज। देखिए, एज के कई क्वेश्चन आपके आए हैं अभी एएलपी टेक्नीशियन में, और ये सब कुछ रेलवे का ही एग्जाम है, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आरपीएफ का हो। पैटर्न कोई खास चेंज नहीं रहता है। यही चैप्टर आपके ग्रुप डी में भी ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इन चैप्टरों पे आपको फोकस रखना है। नोट कर लीजिए, या फिर ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा पूरा सब कुछ रिटर्न में। आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एज से आपके टाइम डिस्टेंस से, टाइम डिस्टेंस में आपका ट्रेन वाले भी इंक्लूड हो गए और टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, फिर बात की जाए एसआई और सीआई की, तो एसआई सीआई से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए हैं। अगर आपसे ये चैप्टर नहीं आते तो आप इनको स्किप भी कर देते तो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो और मेंसुरेशन, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ में ये वाले चैप्टर और बिल्कुल एक भी पॉइंट अलग से नहीं पढ़ते हैं, तो आपके 100% मैं बोल सकता हूं कि क्वालिफाई कर जाएंगे आप मैथ को। ठीक है, कितना भी वीक बच्चा होगा ये टॉपिक पढ़ लीजिए। और हाँ, एक पाई चार्ट का कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला है बीच बीच में, हर एक शिफ्ट में नहीं देखने को मिला है। पाई चार्ट का मैं कवर करा दूंगा 1-2 क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मैथ के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस रखना है। बबात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 3-4 चैप्टर तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, रटने हैं, मतलब एकदम परफेक्ट हो जाना है। ठीक है, जैसे एनालॉजी हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, ये 3 चैप्टर से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए। फिर क्लॉक और कैलेंडर हो गया, और एक इमेज वाला हो गया, स्लोक हो गया। ये चैप्टर तो आपके कुछ ऐसे थे जिनमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ चैप्टर हैं। फिर नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, यहाँ से आप कर लेंगे उनको, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बहुत इजी अल्फाबेट और न्यूमेरिकल सीरीज आपकी पूछी जाती है, कोई हार्ड नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से भी आप कर लेंगे, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी है ना रीजनिंग की, तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है,
क्लॉक कैलेंडर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएगा इनसे और वो फिक्स रहेगा, जहां तक मुझे पता है कि आएगा ही आएगा। फिगर कंप्लीटेशन से भी आएगा आपका, यानी कि जो फिगर होती है कि आपको कुछ फिगर दे दी जाती है इस तरीके से तीन चार, और उसमें से फिर पूछा जाता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी कंप्लीट करेगी, चार ऑप्शन आपको नीचे दे दिए होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस लोग से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इस लोग पे भी आपको ध्यान देना है, इस लोगिज्म चैप्टर पे भी। अभी मैं आपको सब कुछ कवर कराने वाला हूं, जो ये 45 वीडियो जो मैंने बोली आपको, डेली एक वीडियो रीजनिंग की होगी, एक वीडियो मैथ की होगी और एक वीडियो आपकी साइंस की होगी, साइंस के इंपोर्टेंट, और जिसमें करंट अफेयर भी मैं कवर करूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है भाई। तो इन टॉपिक पे आपको फोकस रखना है। अब अगर बात की जाए आपके जर्नल साइंस की, तो जर्नल साइंस के आपके कुछ चैप्टर हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पे आपको फोकस रखना ही रखना है। अगर आप उन पे नहीं रख के जाते हैं तो आप समझिए कि आपने साइंस पढ़ के ही नहीं गए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, पीरियोडिक टेबल आपको रट के जानी है, पढ़ के नहीं जानी, रट के जानी है, रट के, क्योंकि इसमें से आपको दो से तीन क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं, बहुत आसान रहेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट लीजिए। अगर आप रटने में अच्छे हैं, अगर आपने समझ रखी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पीएच वैल्यूज देखिए, बेस और एसिडिक, आप ये चीजें बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, इससे भी आपका एक से दो क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हो गए कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए कुछ, इनको आपको देख के जाना है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करता रहूंगा। टेलीग्राम को अगर आप देखिए, मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको टेलीग्राम के कितने फायदे हैं और टेलीग्राम आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखते रहिए, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां पे आपको अभी देखिए बहुत चीजें मिलने वाली है। फिजिक्स की अगर बात की जाए, तो फिजिक्स में आपकी यूनिट्स हो गई, बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, यूनिट सारी पढ़ के जानी है। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हो गए, इन्वेंशन और डिस्कवरी, कि ये इस चीज का किसने इन्वेंशन किया था, मोबाइल फोन का, माइक्रोफोन का, इस चीज का, उस चीज का, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। ये भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर आपका न्यूटन लॉ से तीन लॉ है, ये तीनों पढ़ के जाने। ओम्स लॉ से आपके क्वेश्चन पूछे गए, इलेक्ट्रिक करंट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और पहले अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स का अगर पोर्शन देखा जाए। फिर अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, एक तो विटामिन चैप्टर वाला, विटामिन पूरा पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, मेन विटामिन, उनके नेम्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डीपली नहीं, बेसिक, ऊपर से आपको सब कुछ ये पार्ट्स पता होना चाहिए, ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिजीज से आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डिजीज से भी आपको क्वेश्चंस पूछे, ये कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये सब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सेल चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके क्वेश्चन है, और प्लांट रिप्रोडक्शन से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, देख लेना आप, ठीक है। प्लांट का और ह्यूमन का दोनों का पढ़ के जाना है, एक बार करके जाना है। अगर आपके पास बुक है, जो भी बुक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पास कौन सी बुक है, मैं उस पे रेड कलर का आपको एक लाइक कर दूंगा, अगर आपकी बुक सही है इस एग्जाम के लिए। अगर नहीं है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल की बुक भी नहीं पढ़नी है, और आपको मतलब जो भी आपके पास है उससे आप पढ़ के जाइएगा, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और अभी बहुत चीजें मैं कवर कराने वाला हूं। अगर करंट अफेयर और जीके की बात की जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका करंट अफेयर जीके का, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बीच में क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक जो पैटर्न रहा था एएलपी टेक्नीशियन का, जो इन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था कि इतने क्वेश्चन इतने आएंगे हर एक सब्जेक्ट से, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ये आपका एक जो मैंने बताया है, जैसे अभी ग्रुप डी का आया था, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा वीडियो के एंड में, तो ऐसा फिक्स मत मान के चलिएगा कि पहले रीजनिंग का आएगा, फिर मैथ का आएगा, और फिर उसका बाद आपका साइंस करंट, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल मिक्स आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, तो ये आपको कैसे ध्यान रखना है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, इसको भी ध्यान रखना है। तो निगेटिव देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे आते होंगे अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं आते तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हार्ड होगा उसको आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। फिर करंट अफेयर की अगर बात की जाए, लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पक्की होनी चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट 2017 की सारी करंट अफेयर, डीपली नहीं, इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े से इवेंट होते हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्ट का हो गया, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, कुछ इस तरीके के सारे आपको पता होने चाहिए। तो अगर इतनी करंट अफेयर आप करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो नहीं है ना, करंट अफेयर के कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जिनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं की जाती, ठीक है। एक आपका सीईओ ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कंपनीज, जितने भी सीईओ है कंपनीज के,
एक वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखी है और बीच बीच में भी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा। एमडी और चेयरमैन ऑफ इंपोर्टेंट कंपनीज, तो एमडी और आपको इंपोर्टेंट चेयरमैन भी याद करके जाने है, ठीक है। ओनर ऑफ ऑल इंपोर्टेंट कंपनीज, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है। ओनर ऑफ आईपीएल टीम, आईपीएल की टीम के भी ओनर आपको देख के जाने हैं। ये वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। फिर आपका सीएम और गवर्नर हो गए, ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी और जो देखिए गवर्नर की अगर बात कीजिए, जो अभी 7 गवर्नर चेंज हुए थे स्टेट के, 7 स्टेट के, तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए क्योंकि आप पुराने वाले भूल जाइए, पुराने वाले आपके एएलपी तक ही सीमित थे, अब आपके नए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत रहिएगा। फिर इंपॉर्टेंट बुक और राइटर की भी अगर बात की जाए तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, ये लिख लीजिए अभी। और आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जितने भी अभी देखे एशियन गेम हुए हैं तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एशियन गेम का तो आपको पता ही होगा, अगर आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रखा होगा टॉपिक स्टडी का, तो वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है। फिर आपका मोदी की जितनी स्कीम चल रही है, ठीक है, मेन मेन स्कीम तो आपको जैसे जनधन योजना हो गई, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, इनकी डेट्स और ये आपका किस फील्ड से रिलेटेड है, मतलब ये सब कुछ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतने से मतलब हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर ध्यान रखना है, इन स्कीम की कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपकी कंट्री की कैपिटल जितनी भी इंडिया की बाउंड्री से टच करती है कंट्री, ठीक है, जैसे चाइना, आपका भूटान, नेपाल और आपका इधर अफगानिस्तान, नीचे श्रीलंका, ये सारी देखिए सभी का आपको पता होगा। अगर नहीं पता है ना, एक बार जरूर देख के जाइएगा क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहना है, इन से भी कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, कई क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी कौन कैपिटल पूछ रहा है, ठीक है। फिर जहां जहां पे मोदी जी जा रहे हैं उन पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना है, जिस कंट्री में गए उस कंट्री के एक बार को देख लेना है कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, या प्रधानमंत्री कौन है, या फिर उस कैपिटल क्या है उस कंट्री की, ठीक है। ये चीज आपको करेंसी, हाँ करेंसी भी देख लेना है, ठीक है। करेंसी एक बार जितनी भी इंडिया की बाउंड्री से टच करने वाले कंट्री है उनकी करेंसी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि दो से तीन क्वेश्चन अभी करेंसी के आए हैं आपके एएलपी टेक्निशियन में। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट डेट्स, कई इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपकी वो पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर जो मैंने आपको बताई दिए हैं ये वाले, ये भी आपके आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ में 100% गारंटी के साथ में मैं बोल सकता हूँ, बट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया और आपने सोचा कि हाँ तो हो ही जाएगा अगर मैंने पॉइंट भी पढ़ लिए, ये पॉइंट पढ़ने के लिए इनके अंदर का पढ़ना पड़ेगा। 15 दिन में अगर किसी को पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है तो वो 15 दिन में भी ले सकता है। अपनी जितना आप पढ़ते हैं ना 15-15 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ मत देखिए। घर वाले काम बताते हैं कि नहीं जी अब मेरे को कुछ नहीं करना है क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, इतनी वैकेंसी और ये सब कुछ बहुत दिनों बाद मिलता है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, माइंड सेट कर लीजिए। 12 घंटे कम से कम पढ़िए, 12 घंटे, और ये नहीं कि 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बुक लेके बैठना। आप पढ़ के कितना आए हैं, कितना आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने हाँ इतना पढ़ लिया है, समझे आप इन बातों को। तो इन चीजों पे फोकस रखिएगा। अगर मैं बात करूं, और देखिए दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियो तो आपकी अनअकैडमी पे भी अपलोड की है, अगर आपने वहां पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सौरभ मलिक सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे सारी वीडियोज के, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीडीएफ की, अभी एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ की अगर बात करूं तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। अब ये टेलीग्राम चीज क्या होती है जो मैं इतनी बार बोल रहा हूं, एक तो इसका लिंक, सबसे पहला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करने से ज्वाइन नहीं होगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम एक डाउनलोड करना पड़ेगा, कहां से, गूगल प्ले स्टोर से, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए एक बार चलते हैं मोबाइल पे। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद में यहाँ पे जो सर्चिंग का ऑप्शन होता है उस पर बस सर्च करना है टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ये आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर ये इस तरीके का टेलीग्राम आएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा तो ऑलरेडी इसमें ज्वाइन है, तो यहाँ पे आपका आएगा डाउनलोड, तो ये तो सभी को पता ही है डाउनलोड करना है, ये आपको इस तरीके से कर देना है यहाँ पे क्लिक, तो आपका ये टेलीग्राम खुल जाएगा। और वहाँ पे आपको जाके अपना नंबर वंबर भरने के बाद में आपको टॉपिक स्टडी सर्च करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा आपका खुलेगा आपका ये टेलीग्राम, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बस टॉपिक
स्टडी। देखिए ये आपके सामने खुल के आ गया पहला ही जो वाला, एक टॉपिक स्टडी इंग्लिश है, एक आपको सिर्फ टॉपिक स्टडी है, तो टॉपिक स्टडी को ही ज्वाइन करना है क्योंकि सारी चीज अपडेट मैं यहीं पे डालता हूँ। 52,800 बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं जिन्हें देखिए मैं डेली पीडीएफ दे रहा हूँ, ये आपको दिख रही होगी पीडीएफ, ठीक है, ये रही सारी पीडीएफ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी सारी पीडीएफ है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के ये सारी पीडीएफ आपको दिख रही होंगी, कितनी सारी पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ है सारी की सारी। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी पीडीएफ आपको मिल गई है यहाँ पे और आगे भी सारी पीडीएफ से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है ना तो आज ही सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको। और देखिए अब क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी हर चीज की वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो तो सिर्फ मैं तीन बनाऊंगा, तीन के बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और जो भी चीजें होती है वो यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसको तो आज ही ज्वाइन कर ही लेंगे आप, ठीक है। फिर अगर बात की जाए नेक्स्ट इंस्टाग्राम पेज की, तो इंस्टाग्राम पेज की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर मिलती है, प्रीवियस करंट अफेयर नहीं मिलेगी, प्रीवियस तो अगर इसमें अपलोड हुई है जो वो आप पढ़ सकते हैं बैठकर आराम से, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए इंस्टाग्राम का फायदा यह है कि डेली एक पोस्ट आपको एक से दो तीन चार पाँच छः जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है डेली की, एक्स्ट्रा कुछ नहीं अपलोड करता मैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है वो यहाँ पे डेली अपलोड कर देता हूँ। तो आपको इंस्टाग्राम पे सिर्फ सर्च करना है विदाउट एनी स्पेस टॉपिक स्टडी, और कुछ सर्च नहीं करना है, टॉपिक स्टडी सबसे ऊपर जो पेज आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है। फेसबुक पे भी आपको डेली करंट अफेयर ही मिलती है, बहुत से बच्चे होते हैं कि इंस्टाग्राम नहीं चलाते फेसबुक चलाते हैं, तो आप दोनों में से दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी मन करे जो आप चलाते हैं। तो फेसबुक पे आप टॉपिक स्टडी पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कोई डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, तो फेसबुक पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो फेसबुक पे डायरेक्ट सर्च करना है सौरभ मलिक, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, एक प्रोफाइल जो मेरी लगी हुई है एक कार के साथ में, जिससे आपको इजीली पता भी चल जाए कि हाँ मेरी प्रोफाइल कौन सी है, ठीक है, कार के साथ में एक प्रोफाइल है तो इजीली आप फाइंड आउट भी कर लेंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, जो मेरे माइंड में था कि किस तरीके से आपको 15 दिन में एक अच्छे से अच्छी बेटर से बेटर एक प्रिपरेशन करा दी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टॉपिक स्टडी से सिलेक्शन हो, थोड़ा मेरा भी नाम और आपका तो हो ही नाम, आपके घर वालों का नाम हो, आपका नाम हो और आपको एक जॉब मिल जाए गवर्नमेंट जॉब। और ग्रुप डी की जॉब को खराब मत मानिएगा, एक से दो साल में तीन साल में आपका प्रमोशन होकर एएलपी और टेक्नीशियन ही बनना है, तो इस चीज की भी आपको टेंशन नहीं है कि अगर किसी का ग्रुप डी का एग्जाम खराब हुआ है या वो ग्रुप डी का भर नहीं पाता, ठीक है। तो ये थी, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी और ये मेरा पूरा प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने सभी दोस्तों में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनमें शेयर करिएगा, जितने ग्रुप है आपके हर एक जगह फेसबुक जहाँ पे भी, ठीक है, ये मेरे लिए बस आपके ये रेस्पेक्ट हो जाएगी और यही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जाने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टॉपिक स्टडी चैनल पे आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है टॉपिक स्टडी, ठीक है। तो टॉपिक स्टडी देखिए सबसे ऊपर ही आ जाएगा टीओ लिख तो ही, तो यहाँ पे आपको जो सर्च किया है देखिए बहुत सारी वीडियोस तो आ ही जाएगी, 1100 वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। आपको क्या करना है इस पे टॉपिक स्टडी की जो डीपीएस पे क्लिक करना है तो ये चैनल आ जाएगा आपका खुल के, ठीक है, आपका चैनल है, आप आइए जिस टाइम चाहे उस टाइम आइए पढ़िए। यहाँ पे देखिए बहुत सारी वीडियोज हैं, यहाँ पे अगर आप इनको खोलेंगे वीडियोज वाले सेक्शन में अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको लगातार हजारों वीडियो मिल जाएगी। फिर अगर बात कीजिए प्लेलिस्ट की तो यहाँ पे आइए, इसकी साइड में वीडियो के साइड में प्लेलिस्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट वीडियोज, ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप डी के लिए, ऑनलाइन टेस्ट एएलपी टेक्नीशियन के लिए, आरपीएफ के लिए, ऑनलाइन टेस्ट एसएससी एग्जाम के लिए, ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप डी के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो अभी तक 168 हो चुकी है, एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, रेलवे रीजनिंग वीडियोज, राजस्थान पुलिस रीजनिंग वीडियोज, हरियाणा आरपीएफ रीजनिंग, एएलपी टेक्नीशियन रीजनिंग ग्रुप डी, ऑल रीजनिंग वीडियोज, तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट एक बार आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। फिर कम्युनिटी वाले पोर्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं और सब कुछ मेरा जो दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आज एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, ये मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपने आज की वीडियो पूरी देखी होगी, इंजॉय करी होगी और आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई है उन पे आप जरूर फोकस डालेंगे और आप 100% सिलेक्शन लेने के लिए इतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मैंने बोली है, ठीक है। देखिए मैं अगर अपनी बात बताऊं, मुझे कोई सिलेक्शन नहीं लेना है, आपके लिए मैं 15-15, 16-16 घंटे वर्क कर सकता हूं, तो आप खुद के लिए तो इतना कर सकते हैं ना। बस इसी लास्ट बात के लिए मैं आपको बस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूं, यहीं
पे खत्म कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई और आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।